आपको कुछ खाना चाहिए? नहीं खा सकता क्योंकि मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। लेकिन आपको खाना होगा। ठीक है, सिर्फ मन की रोटी। ये लीजिए। अब तो 40 दिन गुजर चुके हैं, क्या आपको लगता है कि वो अब भी जिंदा है? लगता है बाग अदन की तरह वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। देखिए ये वही हैं। ये वही लोग हैं। सफोरा, वो वापस आ रहे हैं। हाँ कहो। हमने जमीन के तमाम हिस्सों को देख लिया। वहाँ दूध और शहद बह रहा है। लेकिन उस जमीन के बाशिंदे मजबूत और तवाना हैं। और शहरों के चारों तरफ दीवारें हैं और काफी बुलंद हैं। और अनक जिन के बच्चों को वहाँ देखा, बहुत सारे जिन। बहुत सारे जिन। मेरा कहना है कि फौरन जाकर जमीन पर कब्जा कर लें, इसलिए क्योंकि हम सब इस काबिल हैं। हम उन लोगों पर काबू नहीं पा सकते, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। और वो बहुत अजीम जंगजू हैं। वो हमें निगल जाएंगे। हम उनके सामने कीड़ों की तरह हैं। ठीक है ठीक है, आओ इस जमीन की अच्छी चीजों को चखें। बराए करम आप सब लोग चखिए। और कितनी बार हम झूठ और चालबाजियों के शिकार बनेंगे? और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या तुमने सोचा था कि एक जरखेज जमीन हमारा इंतजार कर रही होगी? चलो हम एक रहनुमा चुन ले जो हमें मिस्र वापस ले जाए। मैं इसकी तायिद करता हूँ। चलो वापस चले। मुर्दा होने से तो हम गुलाम अच्छे थे। ये तो तय है कि ये ताकतवर लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं ही अपने बीवी बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ज़िबाह होने के लिए नहीं लाया था। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम हमारी रहबरी करोगे आज़ूर। हाँ आज़ूर, आज़ूर, मैं आज़ूर को मुंतखब करता हूँ। और मैं भी। और मैं भी। क्यों ना हम मूसा से बात करके इस बारे में गुफ्तगु करें? मैं खेमे के अतराफ गया और पता चला कि हर कोई मिस्र लौट जाना चाहता है। चलो मूसा, हमें मिस्र वापस ले जाइए। मूसा, हमें मिस्र ले चलो। हमें मिस्र ले चलो। मूसा, बचा लो। मूसा, हमें मिस्र वापस ले चलो। मूसा, हमें मिस्र ले चलो। हमने मिस्र लौट जाना तय कर लिया है, बजाय इसके कि हम मवेशी की तरह ज़िबाह हो जाएं। अल्लाह तुम्हें यहाँ लाया है और वो ही तुम्हें बचाएगा। इस जमीन पे जिन है। हाँ हाँ, इस जमीन पर जिन है। जिन है, 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 जिन है। अब हमें कौन बचाएगा? ओजोया, 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 ओजोया। बस करो और सुनो, जिस जमीन से हम गुजरे हैं वो एक बड़ी ही अल्लाह की नेमत है, जहां दूध और शहद की बहारें हैं। और अगर अल्लाह हमसे खुश है तो वो हमें जमीन जरूर दे देगा। लेकिन अल्लाह से बगावत ना करो। उस जमीन के बाशिंदों से ना डरो, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। उनसे घबराओ मत। कब तक ये बुराई की मजलिस मेरे खिलाफ बड़बड़ाती रहेगी? तुम्हारी लाशें इस रेगिस्तान में गिरेगी। 20 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों की जो मेरे खिलाफ बड़बड़ाएंगे, और तुम्हारे बेटे उस सहरा में 40 साल भटकेंगे, और ये उनके लिए एक सजा होगी जो मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं।
चलिए मूसा, ये रेगिस्तानी जगह छोड़ देते हैं। मैं यहाँ रह रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे रहने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन आप मेरी जिंदगी हैं, मेरा प्यार और हर चीज। 40 साल तक एक साथ रहने के बाद आप जानती हैं कि आप मेरे लिए कितनी अजीज हैं। मैं आपके लिए फिक्रमंद हूँ। उन लोगों के साथ मजीद 40 साल गुजारना मतलब। लेकिन वो मेरे लोग हैं सफूरा। वो अल्लाह के लोग हैं, उसे उनके साथ जद्दोजहद करने दे मूसा। हम मिदियन चले जाएंगे। मैं जानता हूं कि उस दौरान अपनी भेड़ बकरियों का दूध उस वादा की गई जमीन की पहाड़ियों पर निकालने का ख्वाब देखता रहा, लेकिन मुझे शक है कि शायद ही मेरा ख्वाब इस जिंदगी में शर्मिंदा ताबीर होगा। ओ मूसा, मेरा दिल आपके लिए गमजदा है। मैं अल्लाह के साथ इस रेगिस्तान में मरने को तरजीह दूंगा कि उसकी बनिस्बत वो जमीन मऊत पर उसके बगैर मर जाओ। क्या उसके बाद लोगों ने शिकायतें करना बंद कर दी? उसके बरक्स उन्होंने तलखी से शिकायतों का सिलसिला जारी रखा। मूसा, 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 हम तुमसे मुलाकात का मुतालिबा कर रहे हैं। मूसा, मूसा बाहर आकर मिले हमसे। हमारे सामने आते हुए डर रहा है। मूसा, अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम खैमे के अंदर आ जाएंगे। तुम हमें इस सहरा में क्यों लाए थे? क्या मरने के लिए मूसा? यहाँ खाना नहीं है और पानी नदारत है। हम इस कमबख्त मन से नफरत करते हैं। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे मूसा, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। चलो चलो। चलो अब चले। लेकिन कहाँ? मैं आज की रात नींबू के दामन में वाकई एक दरख्त के नीचे बिताना चाहता हूँ। लेकिन हम यहाँ सुबह तक क्यों नहीं रुक सकते? इसलिए कि मैं उस पहाड़ी पर अल सुबह जाना चाहता हूँ। मुझे कोहे नेबू जाना होगा, अब वो वक्त आ गया है। एक लम्हा अब्बाजान, हम जीनों को कस रहे हैं। मैं अकेला जाऊंगा। अकेले? लेकिन वो दूर है अब्बाजान, आपके लिए पहाड़ चढ़ना दुश्वार होगा। 120 साल का होने पर भी मैं मजबूत और तवाना हूँ। मेरी नजर धुंधलाई नहीं है, मेरे पैर कमजोर नहीं हुए। लेकिन आप अकेले ही क्यों जाना चाहते हैं? ये वक्त है कि तुम मेरे करीब आओ ताकि मैं तुम्हें अलविदा कह सकूं। अब्बा जान, आप हमारे पास लौट कर आएंगे? सब जा चुके हैं, मरियम, हारून और अब मैं जाने को बाकी हूं। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, हम आपके बगैर क्या करेंगे? अपने अल्लाह को तलाश करना पूरी ईमानदारी के साथ। मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। अम्मी, कितनी बेहतरीन औरत अल्लाह ने मुझे दी है, कितना बेहतरीन था ये सफर। अल्लाह अपनी मखलूक से प्यार करता है, वो हम सब के लिए उस तक पहुंचने की राह खोल रहा है। मूसा ने 40 साल तक सहरा में लोगों की रहनुमाई की, उसके बाद अल्लाह कुहे नेबू की चोटी तक मूसा को ले गया ताकि उसे इस जमीन मौत की झलकियां दिखाए, और मूसा की रूह अल्लाह की मौजूदगी में निकली और अल्लाह ताला ने जस्द मूसा को दफन किया।
اور ان کی قبر ہمیشہ کے لیے پردہ غیب میں چھپا دی گئی. موسیٰ ہمیں مصر واپس لے چلو. موسیٰ ہمیں مصر لے چلو. ہم نے مصر لوٹ جانا طے کر لیا ہے بجائے اس کے کہ ہم مویشی کی طرح ذبح ہو جائیں. اللہ تمہیں یہاں لایا ہے اور وہ ہی تمہیں بچائے گا. اس زمین پہ جن ہے. ہاں ہاں اس زمین پر جن ہے. 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 اب ہمیں کون بچائے گا؟ اوزویا. 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 ہمیں نگل جائیں گے. ہم ان کے سامنے کیڑوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آؤ اس زمین کی اچھی چیزوں کو چکھیں. برائے کرم آپ سب لوگ چکھیے. اور کتنی بار ہم جھوٹ اور چال بازیوں کے شکار بنیں گے؟ اور ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ کیا تم نے سوچا تھا کہ ایک زرخیز زمین ہمارا انتظار کر رہی ہوگی؟ چلو ہم ایک رہنما چن لیں جو ہمیں مصر واپس لے جائے. میں اس کی تائید کرتا ہوں. چلو واپس چلیں. مردہ ہونے سے تو ہم غلام اچھے تھے. یہ تو طے ہے کہ یہ طاقتور لوگ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے. فورا وہ واپس آ رہے ہیں. ہاں کہو. ہم نے زمین کے تمام حصوں کو دیکھ لیا. وہاں دودھ اور شہد بہ رہا ہے. لیکن اس زمین کے باشندے مضبوط اور توانا ہیں. اور شہروں کے چاروں طرف دیواریں ہیں اور کافی بلند ہیں. اور انک جن کے بچوں کو وہاں دیکھا. بہت سارے جن. بہت سارے جن. میرا کہنا ہے کہ فوراً جا کر زمین پر قبضہ کر لیں. اس لیے کیونکہ ہم سب اس قابل ہیں. ہم ان لوگوں پر قابو نہیں پا سکتے. وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں اور وہ بہت عظیم جنگجو ہیں. وہ آپ کو کچھ کھانا چاہیے؟ نہیں کھا سکتا کیونکہ میں بہت فکر مند ہوں. لیکن آپ کو کھانا ہوگا. ٹھیک ہے صرف من کی روٹی. یہ لیجیے. اب تو 40 دن گزر چکے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے؟ لگتا ہے باغ عدن کی طرح وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے. دیکھیے یہ وہی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. سب کر دیں گے. میں یہاں اپنے بیوی بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہونے کے لیے نہیں لایا تھا. تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم ہماری رہبری کرو گے آزور. ہاں آزور. آزور میں آزور کو منتخب کرتا ہوں. اور میں بھی. اور میں بھی. کیوں نہ ہم موسیٰ سے بات کر کے اس بارے میں گفتگو کریں؟ میں خیمے کے اطراف گیا اور پتا چلا کہ ہر کوئی مصر لوٹ جانا چاہتا ہے. چلو. موسیٰ ہمیں مصر واپس لے جائیے. موسیٰ ہمیں مصر لے چلو. ہمیں مصر لے چلو. موسیٰ.